अनि यतिका हाम्रो आवश्यकतालाई बोध गरेर महसुस गरेर मित्र राष्ट्र भारतको तर्फबाट हामीलाई जो सहयोग प्राप्त भएको छ त्यो निश्चय नै अविस्मरणीय रहनेछ। मेरो चाबी प्राप्त गर्नुहुने मित्रहरूलाई यही निवेदन छ कि यो सहयोगको सदुपयोग होस्, सही ढङ्गले उपयोग होस् र यसले अघि नै मैले भने नेपाल भारत मित्रतालाई सम्बन्धलाई अझै सुमधुर र कसिलो बनाओस्। त्यो अर्थमा यहाँहरूले ये जुन एम्बुलेन्स र बसहरू प्राप्त गर्नुभएको छ तिनीहरूको स्याहार सम्हार गर्ने कुरा, उचित उपयोग गर्ने कुरामा निश्चय नै ध्यान पुर्याउनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अहिले विद्यालयहरूलाई यातायातको अलिकति बाटोको सुविधा बढेपछि विद्यालयहरूलाई चाहिँ बसको आवश्यकता अलिकति बढेको छ, माग पनि बढेको छ। महामहिम राजु साहबले पनि मलाई थोरै बताउनु भयो। अहिले हाम्रो विद्यालयहरू चाहिँ नै विगतमा म्यापिङ नगरिकन खोलियो, तिनीहरूलाई अहिले हामीले चाहिँ नि म्यापिङ गरेर मर्जरमा लाने प्रक्रिया हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यसले गर्दा पनि मर्जरमा गइसकेपछि दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयहरू मिलिसकेपछि एक ठाउँमा भएपछि दूरी अलिकति बढ्न गएको छ, विद्यालय पुग्ने बच्चाहरूलाई विद्यालय जाने दूरी अलिकति बढेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि विद्यालयहरूलाई यातायातको साधन बसहरूको चाहिँ नि आवश्यकता अलिकन बढेर गएको अवस्था छ। त्यसको प्रतिबिम्ब हो बसको माग चाहिँ नि अलिकन बढेर गएको छ। मिलाया जा रहा है, हम भी देख रहे हैं कि आजकल स्कूल आजकल स्कूल बसों की जो डिमांड है, जो चाहना है, वह बढ़ गई है और इसी को देखते हुए पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी और आगे के वर्षों में भी स्कूल बसों की तादाद एम्बुलेंस के बजाय ज़्यादा होगी। हमें भारतीय दूतावास को, भारतीय सरकार को नेपाल में अपने मित्र, अपने सहयोगी भाई बहनों के साथ मिलकर काम करने के लिए और उनके विकास के लिए जो भी कार्य कर सकेंगे उसमें हम प्रतिबद्ध रहते हैं। ये इसलिए भी है क्योंकि नेपाल का विकास होगा तो भारत का भी विकास होता है। नेपाल की जनता अगर पढ़ती है, लिखती है, स्वस्थ रहती है और नेपाल एक विकसित देश बनता है तो भारत के लिए भी ये अच्छा है। इसी तरह भारत भी अगर विकास करता है तो नेपाल के लिए अच्छा है। तो हमें दोनों देशों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और इसी को देखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन कई वर्षों से किया गया है। मुझे एक साल करीब हो चुका है यहाँ पे नेपाल में कार्यरत हुए और इस दौरान मैं कई जगहों पे गया, कई नगर पालिकाओं म्यूनिसिपैलिटीज़ में गया। वहाँ पे हमने ये एक्सपीरियंस रहा है कि जो स्कूलों का और एम्बुलेंस का जो हम
उपलब्ध कराते हैं उसका काफ़ी सदुपयोग हो रहा है। उससे काफ़ी स्कूलों में मदद मिली है स्कूलों का एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चे अब आ सकते हैं दूरदराज के इलाकों से। हम भी यही चाहते हैं और आगे भी इसी तरह से नेपाल की विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह की मांग होगी उसके अनुसार हम उसको उपलब्ध करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान इस आज के समारोह में जैसा मंत्री जी ने कहा, हमारा कोशिश ये रहा है कि एम्बुलेंस और जो स्कूल बसें उपलब्ध कराई गई हैं ये नेपाल के हर कोने के इकाइयों को हों, चाहे वो पूर्व में हो, पश्चिम में हो, या तराई पहाड़ या हिमाल में हो। आपने देखा कच्चरपुर से लेके इलाम तक के लोग थे और सुनसरी से लेके मुस्तांग तक के लोग की इकाइयों को ये सब दिया गया है। तो हमारी कोशिश रहती है कि सीमित साधनों के होते हुए भी हम कोशिश करें कि नेपाल के सारे ज़िलों में एक एक इकाई को कम से कम एक स्कूल बस या एक एम्बुलेंस मुहैया करा सकें साल में एक बार। Thank you.